हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने पेटीएम वॉलेट मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सके। सो दोस्तों, इसका तीन तरीका होता है, तो वन बाय वन सीखेंगे हम। तो पहले फर्स्ट तरीका देख लेते हैं कि कैसे उसको ट्रांसफ़र करें। तो आइए देखते हैं। पहले आपको चले जाना है, सबसे पहले पासबुक खोल लेना आपका। ये आ गया पासबुक, पासबुक खोल लीजिएगा। उसके बाद में पेटीएम वॉलेट में जाइएगा, वॉलेट मनी में। फिर देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा होगा कि ये वाला सेंड मनी फ्रॉम वॉलेट टू बैंक। सो दोस्तों, ये वाला कर लेते हैं हम। जैसे कि आप 3 रुपया भेजना चाहते हो तो देख सकते हैं चार्जेस कट रहा है इसमें, और नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि 5% का चार्जेस कटेगा अगर आप भेजते हो यहाँ से, मनी ट्रांसफ़र करते हो। सो दोस्तों, इसमें तो लॉस ही रहता है कि कोई भी अमाउंट का 5% कट जाएगा आपका। सो ये एक तरीका हो गया, और सिंपली आपको प्रोसीड कर क्लिक कर दोगे तो ये आपका 5% काट के नहीं, ये अमाउंट जो है 3 रुपीज़ आपका भेज देगा, और एक्स्ट्रा आपका वॉलेट से 5% काट लेगा। ये नहीं कि 3 रुपया से ही 5% काटेगा, नहीं, 3 रुपया एक्चुअल में आपका अकाउंट में भेजा जाएगा और 5% अलग से आपका वॉलेट मनी से काटा जाएगा। सो एक तरीका ये हो गया। चलो सेकेंड तरीका हम जानते हैं। तो सेकेंड तरीका है कि आप सिंपली एक बिजनेस फॉर पेटीएम बोल के एक मर्चेंट अकाउंट होता है, पेटीएम मर्चेंट अकाउंट बना सकते हो। सिंपली आपको जाना है, आप चले जाइएगा प्ले स्टोर पे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा बिजनेस फॉर पेटीएम, पेटीएम फॉर बिजनेसेस ऐसा कुछ ऐप का नाम होगा, दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए पेटीएम फॉर बिजनेस, तो ये वाला ऐप आपको डाउनलोड कर लेना और इसमें साइनअप कर लेना है। सिंपल है साइनअप का प्रोसेस। तो साइनअप करने के बाद आपको करना है कि एक कोई सा भी बिजनेस सेलेक्ट कर लेना है, और उस बिजनेस सेलेक्ट कर लेना है उसमें पेटीएम। जैसे कि आपको अकाउंट बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा कि जिसमें आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर देना उससे, और पैन कार्ड का भी ज़रूरत पड़ेगा आपका, तो पैन कार्ड भी उसमें लिंक कर देना, इससे कि आपका वो हो जाएगा, आपका बैंक में पैसा अच्छे से आ जाएगा। तो सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अभी तक तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन पहले एक्सेप्ट किया करता था। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक अपडेट आ गया है कि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि इस बिजनेस अकाउंट या मर्चेंट अकाउंट का सिर्फ यूज़ कर रहे हैं कि अपने वॉलेट के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ले। सो दोस्तों, पेटीएम ने इसको बैन कर दिया है और दिखाया है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरा भी दिखा रहा है, मेरा दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा अब 1.99% काटेगा वॉलेट के ऊपर अगर मैं कोई भी बैलेंस एक्सेप्ट करता हूँ। तो दोस्तों, ये पहला वाला प्रोसेस से तो अच्छा ही लग रहा है मुझे कि 1.99 यानी 2% काट रहा है, उसमें 5% था, इसमें 2% काट रहा है। तो पहले वाला प्रोसेस से तो अच्छा ही है, अगर आपका इमरजेंसी है तो आप ये सेकेंड वाला प्रोसेस कर सकते हो। आप बस आपको इसमें है कि अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, बिजनेस मर्चेंट अकाउंट पेटीएम फॉर बिजनेस का अकाउंट बना लेना है, और एक बिजनेस सेलेक्ट करके उसमें अपना अकाउंट लिंक कर देना है, बैंक अकाउंट लिंक कर देना है जिसमें आप चाहते हो कि आपका वो पैसा आए। तो बस आपको QR कोड उसका लेके फर्स्ट वाले पेटीएम से स्कैन करके उसमें पे कर देना है। तो इसमें एक डिसएडवांटेजेस है दोस्तों, जैसे कि आप जब भी पैसा भेजते हो तो नॉर्मली 12 घंटा लगते हैं, रात के बाद ही, मतलब 12 घंटा नहीं ना, रात के बाद ही आपको अकाउंट में मिलेगा, क्लियरेंस होता है वो। सो दोस्तों, ये वाला एक स्टेप हुआ, ये एक प्रोसेस हो गया। तो चलो अब थर्ड प्रोसेस देखते हैं कि क्या है एक्चुअल में। थर्ड प्रोसेस एक्चुअल में है कि दोस्तों, आप वॉलेट बैलेंस से गोल्ड खरीद लो और
वॉलेट बैलेंस से गोल्ड खरीद लो और गोल्ड को आप बेच के अकाउंट में ले सकते हो पैसा। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो दोस्तों मेरे वॉलेट में इतना है, तो मैं ये 10 रुपये का बेचना चाहता हूँ। दिखा दे रहा हूँ आपको प्रोसीड। अच्छा यहाँ पे आकर आपका आ गया, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर कंफर्म कर लीजिएगा, नेम और IFSC कोड डाल दीजिएगा और प्रोसीड कर दीजिएगा, तो आपका अकाउंट में चला जाएगा। तो दोस्तों अगर ये तो थर्ड स्टेप हुआ दोस्तों, लेकिन इसमें जब आप करते हो तो इसमें भी थोड़ा लॉस हो जाता है, कि जैसे कि आप 5 रुपये का गोल्ड खरीद रहे हो, 1 रुपये का भी खरीद सकते हो, 5 रुपये का खरीद रहे हो लेकिन उसी टाइम आप बेच दोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसमें गोल्ड का प्राइस घटते बढ़ते रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे सकते हो 1034 दिखा रहा है मेरा, कि उतना का गोल्ड है, और 224.20 mg दिखा रहा है कि मेरा गोल्ड है। तो इतना अमाउंट का गोल्ड उस दिन, एक महीना पहले मेरा 800 रुपये का था, 880 रुपये का था, जो अभी गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होने के वजह से ये 1034 रुपीज़ हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप नॉर्मली गोल्ड सेव करना चाहते हो तो क्या करना, कि नॉर्मली ये मैरिज सीजन का पहले ख़रीदना दोस्तों, क्योंकि जैसे ही कि मैरिज सीजन आता है, वेडिंग सीजन जैसे ही आता है वैसे ही गोल्ड इंक्रीज़ होने लगता है। क्यों इंक्रीज़ होता है ये सबको पता है, कि जैसे मैरिज में तो गोल्ड लगता ही लगता है, एंगेजमेंट में, शादी में, ये सब तो गोल्ड लगता ही, इसीलिए गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, कि क्योंकि उसका डिमांड बढ़ जाता है इसीलिए इंक्रीज होता है। तो दोस्तों आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मैंने कि जैसे कि मेरा अब मैंने बताया आपको 880 रुपये का कुछ दिखा रहा था गोल्ड, आज ये हो गया 1030 रुपीज़ का करेंटली। सो दोस्तों ये बहुत अच्छा हो गया है, अगर मैं बेचना चाहूँ भी तो 1 मिनट पे बेच सकता हूँ और अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकता हूँ। लेकिन नहीं दोस्तों, मुझे ये इन्वेस्ट करके ही रखना है, इसमें क्या पता फ्यूचर में और बढ़े। तो दोस्तों मैं नॉर्मली गोल्ड खरीदते ही रहता हूँ, तो ये एक स्टेप हो गया कि आप कैसे अपने वॉलेट मनी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, ये एक वे हो गया। तो दोस्तों आप इन तीनों वे का यूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, आपका नेसेसिटी के हिसाब से आप ये सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा अच्छा है। तो दोस्तों सबसे अच्छा तो मेरे सेकंड वाला ही लगा, और थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाला मैं गोल्ड सेव करना चाहता हूँ, इसीलिए किसी को हो सकता है कि अच्छा नहीं भी लगे गोल्ड सेविंग प्लान, क्योंकि उन्हें तुरंत ही अपने वॉलेट में बैंक में चाहिए। सो दोस्तों उनके लिए सेकंड वाला स्टेप बहुत अच्छा है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी मर्चेंट अकाउंट होल्डर को आप पे कर दो, अगर आपका दोस्त है, और उससे पैसा मांग लो, ये भी कर सकते हो आप। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, और कॉमेंट्स में ज़रूर मुझे सजेस्ट करना कुछ टॉपिक, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, कहीं प्रॉब्लम आ रहा हो। सो दोस्तों ज़रूर कमेंट में बताना मुझे, और सजेस्ट ज़रूर करना कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, मैं ज़रूर बनाऊंगा आपका, और रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। सो थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।